कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बेताल हैं, उन बेतालों से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है। और जब बेताल सर पे बैठता तो विक्रम की जो है वो बुद्धि खराब हो जाती है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन अब काफी नजदीक है। एक एक करके देश की जानी मानी हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में अब न्योता कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास पहुंचा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए इससे जुड़ी जानकारी साझा की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि प्रभु श्री राम जी की असीम अनुकंपा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार। गौरतलब है कि एक तरफ राम भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ रामलला के विराजमान होने को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष भाजपा से लड़े, भगवान राम और अयोध्या से न लड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पार्टी के बेतालों से परेशान है। कांग्रेस में कुछ लोगों को राम के नाम से चिढ़ है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बेताल बैठे हैं। कांग्रेस में 20% लोग राम विरोधी हैं। इसी के साथ प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सपा नेता अयोध्या में अपने पापों का प्रायश्चित करें। यह हमारे कई जन्मों के पुण्यों का फल है। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, मैं बड़ा भावुक हूँ। भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उसके साक्षी बनेंगे हम। 22 जनवरी भारत के गौरव का उत्सव है। तमाम देशवासियों को इसको पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। भगवान राम जब लंका फतेह करके अयोध्या लौटे थे तो एक दिवाली तब मनी थी और एक दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाए। कांग्रेस तो कह रही है भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं कि राम विरोधी राष्ट्र है। भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया उस पर राम दरबार का चित्र अंकित है। तो भारत के संविधान पर भगवान श्री राम की कृपा से राम दरबार का चित्र अंकित है। तो राम तो सबके हैं, सब राम के हैं। राम के बिना तो भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन आचार्य जी, फिर राहुल गांधी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आज भी उन्होंने दूसरे देश में जाकर के इस बात को कहा है कि ये एक बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें हम इसलिए जो नहीं जाना चाहते हैं। क्यों कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है कि ये बाबा साहब के संविधान की बात है? कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बेताल हैं, उन बेतालों से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है। और जब बेताल सर पे बैठता तो विक्रम की जो है वो बुद्धि खराब हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम से ही चिढ़े, राम के नाम से चिढ़ते हैं।